नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तर मग आज चालू करूया फोर्थ जातक। तर नेहमी सारखं आपण नमो तस्स भगवतो अरहतो म्हणूया। तर लेट्स जॉईन आवर हँड्स, क्लोज आवर आईज। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ओके, तो सभी को बहुत बहुत वेलकम ऑन दिस संडे मॉर्निंग टू गेट टू नो अबाउट द फोर्थ जातक। तो हमारी फोर्थ जातक है चूड़ा सेठी जातक, और हमेशा की तरह हम देखेंगे कि वो त्रिपिटक में कहाँ सिचुएटेड है। तो त्रिपिटक जो थ्री बास्केट्स में हमारा सब इंफॉर्मेशन, सब नॉलेज है जो बुद्धा ने बताया, मोस्ट ऑफ इट है। तो त्रिपिटक में, सुत्त पिटक में जो पांच बुक्स है उसमें से एक बुक खुद्दक निकाय, उसमें जातक पाळी पठमो भागो फर्स्ट वॉल्यूम में चैप्टर एक निपातो, यानी फर्स्ट चैप्टर, उसमें अपन्नक वग्गो, वग्गो इज ग्रुप, अपन्नक ग्रुप में चूर सेठी जातक, ये हमारी फोर्थ जातक है। और चूर सेठी जातक में हमें वो दो लाइन का वर्स मिलता है जिसका एक्चुअल बैकग्राउंड या जिसका एक्चुअल बैकग्राउंड स्टोरी या अट्टकथा चूर सेठी जातक वर्णना में दिया है। वर्णना का मीनिंग है एक्स्ट्रा वर्णन वो जातक के बारे में। तो यहाँ पे चूर सेठी जातक में हमें दो वर्ड्स दिखते हैं, वन इज चूर एंड सेकेंड इज सेठी। तो चूर यानी क्या, दीज आर ऑब्वियसली पाली वर्ड्स। तो चूर यानी स्मॉल या लिटिल, और सेठी यानी ट्रेजरर, यानी जो कोई एफ्लुएंट फैमिली, जो वेल्दी फैमिली है वो पर्टिकुलर टाउन में, उसका एक इंडिविजुअल, वो फैमिली का एक पर्सन, तो उसे ट्रेजरर बोला है यहाँ पे हमारी स्टोरी में। तो जैसे हम हमेशा ये स्टोरी चालू करते हैं, बट बिफोर वी कम टू द जातक हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो दिस पर्टिकुलर जातक, चूर सेठी जातक, वॉज टोल्ड बाई द ब्लेसड वन वाइल ही वॉज ड्वेलिंग एट जीवक कुमार भच्च। जीवक, हु नोज हु इज जीवक, एनी वन, बच्चों किसी को पता है जीवक कौन है? तो मैं बताती हूँ, जीवक मेनली हमें पता चला है कि जीवक एक ऐसा पर्सन था बुद्धा के टाइम पे जो एक्चुअली मेडिसिन्स में डील करता था, यानी ही वाज एक्चुअली अ डॉक्टर। तो जो भी भिक्खुओं को या बुद्धा को कुछ भी हेल्थ का अगर इश्यू होता था, या पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, या ऐसे कुछ, तो उसमें कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम्स जीवक ट्रीट करता था। तो ही इज जीवक बेसिकली। और इसने अपना जो अंब वन है,
अंबर यानि मैंगो, तो मैंगो ग्रोव जो है वो बुद्ध को ऑफर किया था यानि दान किया था, तो बुद्ध वो जगह पे अपने संघ के साथ रहते थे और कुछ वर्षावास वहां पे भी बिताए हैं। तो दिस इज बेसिकली द प्लेस जीवक मैंगो ग्रोव यानि जीवक अंबर वने। ओके, सो ये जातक बताई गई है ऑब्वियसली बुद्धा ने जब वो जीवक के मैंगो ग्रोव में रहते थे, विच इज नियर राजगृह, प्रेजेंट डे राजगृह, नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में है राजगृह का लिखी। तो नाउ हु इज दिस जातक अबाउट? दिस जातक इज अबाउट अ यंग मैन हु वाज रिजन टू ग्रेट थिंग्स इन वेल्थ इन द पास्ट and a monk who was risen to great things in the way of faith in the present. So obviously past and present yahan pe relate hoga jaise hum dekhenge aage mein. So basically this jatak is about one thing is gain things in wealth and second thing is gain things in faith. In dono ko kaise relate kiya hai. Now this was preached to an assembly of nearly 500 monks who were praising the Buddha in his absence. तो बुद्धा बेसिकली वो टाइम पे रेस्ट कर रहे थे और ये जातक उन्होंने बाद में जब एक असेंबली ऑफ मॉन्क्स एक हॉल में डिस्कस कर रहे थे और बुद्धा की प्रेज कर रहे थे तो उन्होंने ये जाना और वो रेस्ट पर से उठ के आके उन्हें उन्होंने धम्म देशना दी, ये जातक की स्टोरी बताई और उनसे डिस्कस किया. So what was the time now when this particular jatak was preached? So when the assembly of monks, after attending the afternoon meal offering to the Buddha and his Sangha made by Jivaka at his residence, when this assembly praised the Buddha of how the monk, yahan pe jo story hai little wayman ke bare mein, monk ka naam, of how this monk, who was a brother of the great wayman, was risen to great things in faith by the grace of Buddha. So Buddha ki direction se, jab wo little wayman, jiska naam hai, Pali mein chura panth ko, to by whatever the guidance Buddha gave to this little wayman, this little wayman was risen to great things in faith. यानी उसमें बहुत श्रद्धा डेवलप हुई, बहुत फेथ डेवलप हुआ बुद्ध धम्म संघ के लिए. एंड दिस स्टोरी इज एट दैट टाइम कि हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन. एंड द बैकग्राउंड फॉर दिस इज गिवन इन दिस इंसिडेंट पैराग्राफ हियर. सो बेसिकली हियर ये बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ बट इसके पीछे की स्टोरी बहुत लंबी है और बहुत डिटेल्ड है जिसमें दो तीन और स्टोरीज मिक्स्ड अप है. तो दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इट इन अ वेरी कंसाइज वे. सो हियर टू ब्रदर्स ग्रेट वेमेन, पाली में महापंथको एंड लिटिल वेमेन, पाली में चूल पंथको. सो दीज वर द नेम्स ऑफ दीज टू पीपल. ओके, ग्रेट वेमेन एंड लिटिल वेमेन सक्सेसिवली डिसाइड टू गेट ऑर्डेन्ड एज मंक्स इन द संघ. तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये संघ का पार्ट होंगे, ये दोनों ब्रदर्स. सो विथ टाइम ग्रेट वेमेन बिकेम एन अरहत, व्हेयरएज लिटिल वेमेन प्रूव टू बी अ डलर्ड इन अ मैनर दैट इवन इन द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स ही स्ट्रगल टू लर्न बाय हार्ट 1 वर्स. तो क्या हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेट वेमेन जल्दी प्रोग्रेस करके ही बिकम्स एन अरहत जो लास्ट स्टेज ऑफ फ्रूशन है तो वो अटेन कर लेता है. लेकिन लिटिल वेमेन उस हिसाब से थोड़ा सा उसको एक गाथा रहती है, वो बहुत स्ट्रगल करता है उसको लर्न करने को बट उसको वो एक गाथा नहीं लर्न हो पाती है इवन व्हेन ही स्पेंड्स 4 मंथ्स ऑन इट. तो फिर क्या होता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज टू बी एक्सपेल्ड एंड बेसिकली ही वॉज निग्लेक्टेड फ्रॉम संघ बाय हिज एल्डर ब्रदर. तो 4 महीने हो जाते हैं तो उसका भाई उसको कहता है कि ओके दिस सीम्स टू बी रियली डिफिकल्ट ऑन
योर पार्ट, तो व्हाई डोंट यू लीव द संघ, यानी संघ के बाहर में तुम हम पहले जैसे लेमैन जैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? तो वो निग्लेक्ट कर देता है. और यही इंस्टेंस होता है जब जीवक बुद्ध को और वहां पे करेंटली रिसाइडिंग 500 मंक्स को बुलाता है अपने घर में टू ऑफर मील, आफ्टरनून मील जो होता है बुद्ध और संघ को देने के लिए, वो उसके लिए बुलाता है. तो एल्डर ब्रदर जो होता है द ग्रेट वेमैन, वो कहता है कि मैं सबके बिहाफ पे एक्सेप्ट करता हूँ इनविटेशन, बट जो छोटा ब्रदर रहता है उसका उस एक्सेप्ट फॉर हिम, वो बाकी सबके बिहाफ पे एक्सेप्ट कर लेता है वो इनविटेशन. सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज टू बी एक्सपेल्ड, निग्लेक्टेड फ्रॉम द संघ बाय हिज एल्डर ब्रदर when the sangha was invited by jivaka at his residence for meal offering. It was then that the supreme teacher decided to guide him in his practice. So, tab buddha ko ye pata chalta hai ki ye sab ho raha hai, and wo expel hote hote jo little wayman hai wo decide kar deta hai ki next morning wo sangha chhod ke lay person banega aur chala jayega wahan se. To ye buddha ko pata chalta hai avlokan mein jo wo everyday एवरी मॉर्निंग इवनिंग करते थे. बेसिकली वो सर्वे करते थे पूरा वर्ल्ड का कि कहाँ क्या चल रहा है. तो उसमें बुद्धा को पता चलता है कि लिटिल वेमेन ने ऐसा सोचा और वो संघ छोड़ने वाला है. तो वो टाइम पे बुद्धा डिसाइड करते हैं कि मैं गाइड करूंगा लिटिल वेमेन को. द बुद्धा गेव हिम अ प्योरली व्हाइट क्लॉथ एंड आस्क्ड हिम टू रब इट. While doing so, little wayman realized the impermanence of compound things as the cloth soiled and stained with impurity and dirt of his hands. So, kya hota hai? Buddha, to help him in his practice, ek bahut pure white cloth dete hai little wayman, chura panthako ko. Aur wo white cloth deke bolte hai ki tum ise pakdo aur ise rub karo. Aur bas waise karte raho. और ये उसे काम देके जो इनविटेशन मिलती है जीवक के तरफ से मील ऑफरिंग की, वो इनविटेशन के लिए जीवक के घर चले जाते, वो अलोंग विद द अदर 499 भिक्कुस. और यहाँ पे चूरपंथक वो व्हाइट क्लॉथ को रब करते रहता है. सो व्हाइल डूइंग सो लिटिल वेमैन रियलाइज द इम्परमनेंस ऑफ कंपाउंड थिंग्स एज द क्लॉथ टर्न्ड सॉइल्ड एंड स्टेन्ड. तो धीरे धीरे उसको रब करते करते वो क्लॉथ पूरा मैला मैला होने लग जाता है, धीरे धीरे स्टेन्स पड़ जाते हैं उसमें. क्यों? क्योंकि उसके हाथ का मैल और इम्प्योरिटी वो क्लॉथ को लगता है, राइट? तो जैसा वो होते रहता है, हिज माइंड इल्यूमिनेटेड एंड ही रियलाइज्ड डीके एंड डेथ एंड गोइंग फोर्थ द बुद्धा गाइडेड हिम टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ लस्ट हेट्रेड एंड डिल्यूजन फ्रॉम विद इन हिमसेल्फ. तो ऐसा होते होते वो रियलाइज करता है चूरपंथ को कि डीके कैसा होता है. जैसे वो व्हाइट क्लॉथ डीके होके अभी वो मैला हो गया है, इम्प्योरिटीज चिपक गई है उसको, तो ये डीके का प्रोसेस है. इवेंचुअली डीके होते होते डेथ हो जाता है. और ऐसे ही बुद्धा इसके बाद चूरपंथकों को गाइड करते हैं कि ऐसे ही तुम अपने अंदर के जो इम्प्योरिटीज है, लस्ट हेट्रेड एंड डिल्यूजन यानी लोभ दोष मोह, वो खुद में से इराडिकेट करो, खुद में से निकालो. तो ऐसे वो बुद्धा गाइड करते हैं चूरपंथकों को. दस लिटिल वेमैन फॉलोड दिस गाइडेंस एंड अटेंड अरंथुड अंडर द गाइडेंस ऑफ बुद्धा. तो ऐसे ही जैसे वो उस पर और कॉन्टेम्पलेट करता है और सोचता है, जैसे वो चूरपंथको उस पर सोचता है और उसको और रियलाइजेशन होता है, और ऐसे ही वो अरहत की प्राप्ति करता है. तो ये हो गई बैकग्राउंड स्टोरी ना ऑफ चूर सेठी जातक. तो अभी वी विल गो टू आर टेक्स्ट बुक. लेट मी शेयर दैट विद यू एंड वी विल स्टार्ट विद आवर फोर्थ जातक स्टोरी. ओके, सो क्या सबको हमारी टेक्स्ट बुक दिख रही है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट? यस मैम. ओके, ऑसम ऑसम.
सो हमारी फोर्थ जातक का नाम यहाँ पे है द माउस मर्चेंट, क्योंकि ये स्टोरी एक माउस के बारे में है, जहाँ से चालू होती है स्टोरी एक माउस से, और वो बेसिकली वो मर्चेंट का कैरेक्टर बताता है कि उसके डिलिजेंस के प्रैक्टिस से और उसके ग्रैटिट्यूड से उसका इवेंचुअली क्या होता है. सो नाउ यहाँ पे हम लेट्स स्टार्ट द फोर्थ जातक देन. द माउस मर्चेंट. Once upon a time, an important advisor to a certain king was on his way to a meeting with the king and other advisors. Out of the corner of his eye, he saw a dead mouse by the roadside. He said to those who were with him, "Even from such beginnings as this dead mouse, an energetic young fellow could build a fortune. If he worked hard and used his intelligence, he could start a business and support a wife and family." A passerby heard the remark. He knew this was a famous advisor to the king, so he decided to follow his words. He picked up the dead mouse by the tail and went off with it. As luck would have it, before he had gone even a block, a shopkeeper stopped him. He said, "My cat has been pestering me all morning. I'll give you 2 copper coins for that mouse." So it was done. With the 2 copper coins, he bought sweet cakes and waited by the side of the road with them and some water. As he expected, some people who picked flowers for making garlands were returning from work. Since they were all hungry and thirsty, they agreed to buy sweet cakes and water for the price of a bunch of flowers from each of them. In the evening, the man sold the flowers in the city. With some of the money, he bought some more sweet cakes and returned the next day to sell to the flower pickers. तो यहाँ पे क्या होता है? एक समय की बात है कि जो important advisor रहता है, यानी king को advise करने वाला, वो एक मीटिंग को जाते रहता है दूसरे एडवाइजर्स और किंग के साथ में. तो वहीं पे वो एक बाजू में देखता है कि एक मरा हुआ चूहा पड़ा है रोड के बाजू में. तो वो उसके साथ जो लोग थे उनके साथ ऐसी बात करता है कि ये छोटा सा मेयर बिगनिंग, यानी ये एक डेड माउस, किसी ने इस पे एक एनर्जी और एक इंटेलिजेंस से काम किया, तो इस पर से वो एक बड़ी सी वेल्थ कमा सकता है, बहुत फॉर्चून कमा सकता है एक डेड माउस से. तो ऐसे वो अपना फैमिली सपोर्ट कर सकता है और ऐसे वो अपना लाइफ अच्छी से जी सकता है. तो ये रिमार्क, यानी ये चीज, एक ऐसी बाजू से जाते हुए एक यंग पर्सन रहता है, वो सुन लेता है और वो सोचता है कि ये तो इतना फेमस एडवाइजर है किंग का, तो ये जो बोल रहा है ये कुछ तो बात होगी इसमें, तो थोड़ा फॉलो करके देखना चाहिए. तो वो क्या करता है, वो चूहा उठाता है पूंछ पकड़ के और वो थोड़ा सा आगे चल के जाता है तो एक शॉपकीपर उसको मिलता है और वो बोलता है कि रुको, मेरी बिल्ली सुबह से मुझे तंग कर रही है, वो भाग रही होगी, ऐसे रेस्टलेस हो गई होगी, तो जो भी है, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़ा पैसा दूंगा, यानी 2 copper coins दूंगा अगर तुम मुझे वो माउस दोगे, तो वो कम से कम उसकी कैट उसे परेशान करना बंद करेगी, वो माउस के साथ बिजी रहेगी. तो वैसा हो जाता है, वो दे देता है और उसको 2 copper coins मिल जाते हैं. और उससे वो क्या करता है, ऐसे एक केक लेता है, केक बाय करता है और थोड़ा सा पानी, और वो लेके रोड के बाजू में बैठ जाता है. और फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कुछ लोग उधर ही फ्लावर्स पिक करके आते, यानी वो काम करने वाले होंगे ऐसे कुछ, तो वो वहां से फ्लावर्स पिक करके गार्लैंड बनाने का काम रहता है उनका, और वो अपने काम से वापस आते रहते हैं और वो बहुत भूखे रहते हैं. तो जैसे वो केक्स को देखते हैं और पानी को देखते हैं, तो वो उससे केक और पानी लेते हैं, पर बदले में उसको ऐसे फ्लावर्स का बंच देते हैं, हर एक केक के बदले में.
अभी ये जो इंसान रहता है, ये जो यंग एनर्जेटिक फेलो रहता है जिसने ऐसा दिमाग लगाया था वो चूहे को बेचने का और वो सब, तो वो बंदा अभी वो बोलता है कि जो वो जो फ्लावर्स उसको जो मिलते हैं वो बेचता है, उससे उसको थोड़े पैसे मिलते हैं और वो पैसे से वो वापस स्वीट केक्स खरीदता है और नेक्स्ट डे वापस वो फ्लावर पिकर्स के जहाँ पे आने जाने का रास्ता रहता है वहां पे वो उनको मिलता है नेक्स्ट डे. दिस वेंट ऑन फॉर अ वाइल अंटिल वन डे देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म विद हेवी रेन्स एंड हाई विंड्स. व्हाइल वॉकिंग बाय द किंग्स प्लेजर गार्डन ही सॉ दैट मेनी ब्रांचेस हैड बीन ब्लोन ऑफ द ट्रीज एंड वर लाइंग ऑल अराउंड. So he offered to the king's gardener that he would clear it all away for him if he could keep the branches. The lazy gardener quickly agreed. The man found some children playing in a park across the street. They were glad to collect all the branches and brush at the entrance to the pleasure garden for the price of just one sweet cake for each child. अभी क्या हो जाता है? ये हमेशा का प्रोसेस हो जाता है उसका. वो स्वीट केक्स बाय करता है, सेल करता है फ्लावर पिकर्स को, उसके बदले में उसको फ्लावर्स मिलते हैं, वो फ्लावर्स सेल करके पैसा लेता है और उससे वापस और स्वीट केक बाय करता है और वापस फ्लावर पिकर्स के लिए वेट करता है. तो ये उसका रेगुलर रूटीन हो गया था उस टाइम पे. लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि बहुत बहुत तूफान आता है और बहुत बारिश होती है और बहुत हवा हिलती है, जिस वजह से जो किंग रहता है उसका जो किंग का एक स्पेशलाइज्ड यानी उसके लिए बनाया हुआ जो एक गार्डन रहता है, वहाँ के जो ट्रीज रहते हैं वो हवा की वजह से उनके ब्रांचेस टूट के गिर जाते हैं, ट्रीज गिर जाते हैं. दैट्स राइट साहिली. हाँ, आपने वो इमोटिकन डाला है अम्ब्रेला विथ रेन ड्रॉप्स. तो हाँ, तो बहुत ऐसे बारिश होती है तो ये सब उसका गार्डन का ट्रीज और ब्रांचेस ऐसे गिर जाते हैं और ऐसे सब खराब हो जाता है. तो ये वो चीज देख लेता है वो यंग फेलो. तो वो क्या करता है, वो गार्डनर को बोलता है, किंग का पर्सनल गार्डनर को, कि वो ये सब साफ कर देगा लेकिन इसके बदले में उसे वो जो ब्रांचेस टूटे हैं वो इफ ही कैन कीप दोज ब्रांचेस, यानी वो ब्रांचेस रखेगा लेकिन वो साफ कर देगा तो चलेगा क्या. तो वो गार्डनर एकदम बोलता है हाँ चलेगा, थोड़ा वो लेजी रहता है तो वो अग्री कर जाता है. और फिर वो जो आदमी रहता है जो यंग फेलो, मैं उसको यंग फेलो बोल के ही एड्रेस करूंगी ओवरऑल जातक में, तो वो देखता है कि गार्डन के जस्ट अक्रॉस द रोड बच्चे खेलते रहते हैं पार्क में और वो उनको बोलता है कि तुम हेल्प करोगे क्या वो ब्रांचेस पिक करने को, इसके बदले में मैं हर एक को एक एक स्वीट केक दूंगा. तो वो बच्चे भी अग्री कर जाते हैं केक के इसमें. सो नाउ अलोंग केम द किंग्स पॉटर हु वाज ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर फायरवुड फॉर हिज ग्लेजिंग ओवन. व्हेन ही सॉ द पाइल्स ऑफ वुड द चिल्ड्रन हैड जस्ट कलेक्टेड ही पेड द मैन अ हैंडसम प्राइस फॉर इट. ही इवन थ्रू इनटू द बार्गेन सम ऑफ हिज पॉट्स. With his profits from selling the flowers and the firewood, the man opened up a refreshment shop. One day, all the local grass mowers who were on their way into town stopped in his shop. He gave them free sweet cakes and drinks. They were surprised at his generosity and asked, "What can we do for you?" He said, "There was nothing for them to do now, but he would let them know in the future." तो क्या हो जाता है, जब वो सारे ब्रांचेस कलेक्ट कर लेते हैं तो जो किंग का पॉटर रहता है वो उधर से उसको जलाने के लिए यानी फायर जलाने के लिए वो वुड की तलाश में रहता है और वो वैसे ही वहां से जाता है. ही इज जस्ट पासिंग बाय दैट प्लेस. जब वो देखता है वो इसने कलेक्ट किए हुए ब्रांचेस को और चिल्ड्रन ने हेल्प किया हुआ कलेक्शन में, तो वो बोलता है कि मैं ये वुड के बदले तुमको एक अच्छा सा कीमत दूंगा और मेरे थोड़े से जो बनाए हुए पॉट्स है वो भी दे दूंगा. तो कैन वी एक्सचेंज द लाइक
थोड़ा बागेन करते हैं वो, और बेसिकली वो वुड के जगह पे ही सेज कि मैं थोड़ा पैसे दूंगा और खुद खुद के पॉट्स भी दूंगा. अभी जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है तब तक के वो फ्लावर्स बेचने से और फायरवुड बेचने से, उससे अभी वो दुकान ही खोल देता है. यानी उसका प्रोग्रेस देखो कि कैसे वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है. अभी वो दुकान खोलता है और जो आजू बाजू में घास काटने वाले लोग रहते हैं ना, जो वो हमेशा यानी टाउन को जाने के रास्ते पे वो हमेशा उनको वो रिफ्रेशमेंट शॉप दिखता है और वो वहां पे रुकते हैं. और वहां पे वो जो यंग फेलो रहता है वो उनको स्वीट केक और ड्रिंक्स देता है फॉर फ्री, कुछ नहीं मांगता उसके बदले में. तो वो लोग इतने सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इतना दानी इतना जेनरस कैसा है, और वो पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए कि तुम इतना अच्छा हमें हमसे बिहेव कर रहे हो. तो वो कहता है कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन जब समय आएगा वो बोलेगा फ्यूचर में. ठीक है, a week later he heard that a horse dealer was coming to the city with 500 horses to sell. So he got in touch with the grass mowers and told each of them to give him a bundle of grass. He told them not to sell any grass to the horse dealer until he had sold his. In this way he got a very good price. Time passed until one day in his refreshment shop some customers told him that a new ship from a foreign country had just anchored in the port. He saw this to be the opportunity he had been waiting for. He thought and until he came up with a good business plan. तो अभी क्या हो जाता है, वो एक बार सुनता है, अभी तो उसका refreshment shop properly बन गया है और वो सोचता है कि यानी वो सुनता है कि एक हॉर्स डीलर है वो 500 हॉर्सेस लेकर आया है, वो सिटी में एंटर किया है टू सेल द हॉर्सेस बेसिकली, लेकिन 500 हॉर्सेस. तो अभी इनके खाने का क्या, हॉर्सेस तो घास खाते हैं है ना. तो वो क्या करता है, जो भी ग्रास काटने वालों को अभी तक के उसने फ्री में दिया था है ना, फ्री में स्वीट केक्स और ऐसे सब दिया था, तो अभी वो बोलता है उन लोगों को कि उसको एक फेवर चाहिए उनसे. और वो बोलता है कि अभी एक बंडल ऑफ ग्रास देना मुझे, हर एक ग्रास कटर को बोलता है वो. और वो हॉर्स डीलर को कुछ भी ग्रास मत बेचना जब तक के वो यंग फेलो के सारे ग्रास यानी सारे ग्रास के बंडल्स बेच के नहीं हो जाते, ऐसा वो सबको बोलता है, सब ग्रास कटर्स को बोलता है. और सब अग्री कर लेते हैं क्योंकि उसने इतना उनके लिए किया रहता है पहले जेनरसली एकदम. तो ऐसे क्या हो जाता है, सब वो अपने ग्रास के बंडल्स बेचता है और क्योंकि उसी के पास अवेलेबल होता है वो टाइम पे तो उसको अच्छा प्राइस मिलता है उसका है ना. तो ऐसे ही टाइम जाता है, उसका रिफ्रेशमेंट शॉप भी अच्छा चलते रहता है. और अभी उसको पता चलता है कि एक फॉरेन कंट्री की शिप आई है, जस्ट उनके सिटी में अभी अराइव की है. और अभी वो देखता है कि ये तो बहुत अच्छी संधि है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिसके लिए वो अभी तक के रुका था. तो अभी वो सोचता है कि अभी मैं अच्छा प्लान कैसे करूं, यानी अच्छा बिजनेस प्लान क्या सोच करूं. तो अभी वो क्या करता है, फर्स्ट ही वेंट टू अ ज्वेलर फ्रेंड of his and paid a low price for a very valuable gold ring with a beautiful red ruby in it. He knew that the foreign ship was from a country that had no rubies of its own, where gold too was expensive. So he gave the wonderful ring to the captain of the ship as an advance on his commission. To earn this commission, the captain agreed to send all his passengers to him as a broker. He would then lead them to the best shops in the city. In turn, the man got the merchants to pay him a commission for sending customers to him. Okay, तो अभी वो क्या करता है, उसका एक ज्वेलर फ्रेंड रहता है जिसके पास में बहुत सारी ज्वेलरी रहती है. तो वो उसमें से एक गोल्ड रिंग खरीदता है जिसमें रूबी रहती है, क्योंकि वो जानता है कि जहां से वो शिप आई है
वहां पे गोल्ड एक्सपेंसिव है और उनके पास तो रूबीज है ही नहीं, तो एक्चुअली वो सस्ते में अपने फ्रेंड से खरीदता है, लेकिन इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग फॉर जो फॉरेन से आए हैं जो शिप उसके लिए. तो वो क्या करता है, उसको भेंट जैसा देता है, ऐसे एडवांस में देता है उसको कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ देयर न्यू बिजनेस बेसिकली, ऐसे भाव से देता है एज अ कमीशन. और वो और इसमें क्या करता है, वो कैप्टन को रिंग देके ये अग्री करते हैं वो दोनों कि उसके जो भी पैसेंजर्स है उसके शिप के, वो पैसेंजर्स को वो ये यंग फेलो के पास भेजेगा जो अभी विल एक्ट एज अ ब्रोकर. यानी वो पैसेंजर्स अगर यंग फेलो के पास आए और वो पैसेंजर्स को जो भी चाहिए वो सिटी में, क्योंकि वो नए हैं उनको पता नहीं है कौन सी चीज कहाँ मिलती है कहाँ से लेनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, ओके ओके या तो वो क्या करता है, वो कैप्टन को वो रूबी रिंग देता है और उसके बदले में वो लोग अग्री करते हैं कि जो भी पैसेंजर्स है, कैप्टन बोलता है जो भी पैसेंजर है उसके शिप के, वो उन्हें वो यंग फेलो के पास भेजेगा और वो यंग फेलो उन लोगों को डायरेक्ट करेगा, उनको जो भी चाहिए कुछ भी वो सिटी में खरीदना है तो वो पर्टिकुलर शॉप के यहाँ पे लेके जाएगा. और क्योंकि वो उनको वो शॉप पे लेके जाएगा तो वो पर्टिकुलर शॉप का जो मर्चेंट है, यानी जो वहाँ पे जो भी सेल कर रहा है, क्योंकि इसने उसको कस्टमर्स दिए तो वो एज अ कमीशन ये यंग फेलो को थोड़ा कमीशन देगा क्योंकि वो कस्टमर्स ला रहा है उनके पास में, है ना. तो ऐसा उनका अग्रीमेंट होता है. तो ऐसा करते करते तो ऑब्वियसली वो काफी, क्योंकि वो फॉरेन मनी कमा रहा है तो काफी कमा लेगा, है ना. तो एक्टिंग एज अ मिडिल मैन इन दिस वे, After several ships came into the port, the man became very rich. Being pleased with his success, he also remembered that it had all started with the words of the king's wise advisor. So he decided to give him a gift of 100,000 gold coins. This was half his entire wealth. After making the proper arrangements, he met with the king's advisor and gave him the gift along with his humble thanks. So abhi aisa ho jata hai कि बहुत सारे ऐसे ही शिप्स आते हैं और वो सेम काम करते रहता है मिडिलमैन ब्रोकर का, और ऐसे इसमें वो बहुत रिच हो जाता है और वो इतना खुश रहता है उसके उसके जर्नी से, लाइफ के जर्नी से, कि वो सक्सेसफुल हुआ इन दिस वर्ल्ड, बेसिकली इन दिस वर्ल्डली प्लेजर में ऐसा सक्सेसफुल हुआ एज अ वेल्थ. वो ये सोचता है कि ये सब चालू कहाँ से हुआ था. ये चालू हुआ था वो किंग का जो वाइज एडवाइजर था उससे चालू हुआ था, कि उसने बोला कि एक मरे हुए चूहे से भी कोई इंटेलिजेंस से काम करे तो वो बहुत वेल्थ कमा सकता है. तो वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या वो एक सेंटेंस पकड़ के उसने इतना कमा लिया था अभी. तो वो ऐसा सोचता है कि वो वहां से चालू हुआ था और अभी वो एक वोट ऑफ थैंक्स बोलने के लिए वो सोचता है कि मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा, दैट इज 100,000 गोल्ड कॉइन्स, मैं वो पर्टिकुलर किंग के एडवाइजर को दूंगा, उसको मिलूंगा और उनको बोलूंगा कि ये उसके तरफ से गिफ्ट है और प्लीज एक्सेप्ट करें उसका हम्बल थैंक्स. तो ऐसे वो मिलता है और अभी ऐसा हो जाता है कि द एडवाइजर वॉज अमेज्ड एंड ही आस्क्ड, हाउ डिड यू अर्न सो मच वेल्थ टू अफोर्ड सच अ जेनरस गिफ्ट. द मैन टोल्ड हिम इट हैड ऑल स्टार्टेड with the advisor's own words, not so long ago. They had led him to a dead mouse, a hungry cat, sweet cakes, bunch of flowers, storm-damaged tree branches, children in the park, the king's potter, a refreshment shop, grass for 500 horses, a golden ruby ring, good business contacts, and finally a large fortune. यानी वो पूरी story बताता है वो advisor को कि ये कैसे हो गया. Advisor तो बहुत amazed हो जाता है, यानी बहुत अचंभित हो जाता है, बहुत चौंक जाता है कि इतना सब कैसे कर लिया इसने. यानी वो इतना कर लेता है कि ही इज द सेकंड रिचेस्ट नाउ, जस्ट नेक्स्ट टू द किंग्स एडवाइजर, यानी बाकी लोगों में. ऐसा डिटेल में अंदर जातक के वर्णना में बोला है. तो वो उसको पूछता है कि ये सब, यानी एडवाइजर पूछता है कि इतना सब कैसे कमा लिया तुमने, है ना.
कि तुम इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हो मुझे, तो वो बोलता है कि ये सब आपकी वजह से ही हुआ है ना। अभी कुछ कुछ समय पहले की बात है कि जो आप ही के वर्ड से चालू हुआ, जिससे वो पूरा स्टोरी बताता है, डेड माउस, हंग्री कैट एंड सो एंड तक की, 500 घोड़ों के लिए जो घास जमा किया वो बेचा, फिर गोल्डन रूबी रिंग, और फिर अच्छे उसके फ्रेंड्स और अच्छे बिजनेस कॉन्टैक्ट से इतना फॉर्चून उसने कमा लिया, है ना। तो हियरिंग ऑल दिस द रॉयल एडवाइजर थॉट टू हिमसेल्फ, इट वुड नॉट बी गुड टू लूज द टैलेंट्स ऑफ सच एन एनर्जेटिक मैन। आई टू हैव मच वेल्थ एज वेल एज माई बिलव्ड ओनली डॉटर। एज दिस मैन इज सिंगल, ही डिजर्व्स टू मैरी हर, देन ही कैन इनहेरिट माई वेल्थ इन एडिशन टू हिज ओन, एंड माई डॉटर विल बी वेल केयर्ड फॉर। This all came to pass, and after the wise advisor died, the one who had followed his advice became the richest man in the city. The king appointed him to the advisor's position. Throughout his remaining life, he generously gave his money for the happiness and well-being of many people. तो हम यहाँ पे स्टोरी के एंड पे आ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, ये सब सुन के वो जो एडवाइजर रहता है वो सोचता है कि इतना टैलेंटेड, इतना इंटेलिजेंट पर्सन है और इतना एनर्जेटिक है, इतना इतना एनर्जी से उसने ये सारा काम किया है, तो मेरे पास भी तो इतनी सारी दौलत है और मेरी एक अपनी बेटी भी है ना, हु इज ऑफ अ मैरिजेबल एज, और ये यंग फेलो इज ऑल्सो अ मैरिजेबल एज। तो वो सोचता है कि यानी ये इतना अच्छा पर्सन है, तो इसके साथ मैं अपनी डॉटर की शादी करा लूंगा करके। तो इसमें वो पर्टिकुलर एडवाइजर की भी वेल्थ इनहेरिट करेगा और उसकी डॉटर का भी अच्छा ख्याल रखने में आएगा। तो ये सब हो जाता है, फिर नेचुरली ऑफ एज वो एडवाइजर पासेस अवे, वो मर जाता है, और फिर जिसने वो एडवाइजर का जो एडवाइस रहता है, जो फॉलो किया यानी ये यंग फेलो ने, वो richest man बन जाता है वो सिटी का, और वो किंग वो एडवाइजर के जगह पे इसको अपॉइंट करता है, ये यंग फेलो को। और फिर उसके पूरे जो बची हुई लाइफ रहती है, क्योंकि वो बहुत चैरिटी वाला इंसान रहता है, बहुत जेनरस इंसान रहता है वो, तो वो अपनी बची हुई लाइफ और जो उसके उसके पास इतना पैसा जमा है, वो जेनरसली दूसरों को देता है, बांटता है, चैरिटी करता है, और वो अपने आजू बाजू वालों को, अपने सिटी के लोगों को जिनको जरूरत है उनको देता है, उनको हैप्पी रखता है, और ऐसे ही वो अपना लाइफ जीता है बाकी लोगों के वेलबींग के लिए। तो बेसिकली ये स्टोरी वाज मोर ऑफ कि हम ये पर्टिकुलर लाइफ में हम अच्छा क्या कर सकते हैं। तो हम वेल्थ इज वन ऑफ द थिंग्स जो एक्चुअली बहुत छोटी चीज है, हम अगर धम्म को और पढ़ेंगे डीपली तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग वेल्थ कमाना और ये सब, लेकिन ये स्टोरी बेसिकली इंटेलिजेंस पे थी और जेनरोसिटी पे थी और एक अच्छी टैक्टिक्स, अच्छा स्किल यूज करने पे थी, कि तुम अपना स्किल कैसे यूज कर सकते हो, अपना दिमाग कैसे यूज कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे, कि तुम एक छोटी सी चीज से भी तुम कितना बड़ा फॉर्चून खड़ा कर सकते हो, है ना। तो ये हमें सीखने मिलता है ये स्टोरी से। तो बेसिकली द मॉरल इज विथ एनर्जी एंड एबिलिटी, तो वो यंग फेलो में एनर्जी भी थी, उसने इतने एनर्जी से ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और एबिलिटी भी थी, इंटेलिजेंस भी था और वो करने की काबिलियत भी थी उसमें। सो विथ एनर्जी एंड एबिलिटी ग्रेट वेल्थ कम्स इवन फ्रॉम स्मॉल बिगनिंग्स, तो छोटी सी चीज से हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज में, ये पर्टिकुलर स्टोरी में वेल्थ को फोकस किया गया है, लेकिन ये चीज हर इसमें एप्लीकेबल होती है, नॉट ओनली वेल्थ। अभी जैसे जो बैकग्राउंड है जो दिया था जातक कथा की स्टोरी का, दैट वाज मोर बेस्ड ऑन फेथ, है ना। तो तुम्हारी फेथ भी छोटी सी चीज से कैसा तुम श्रद्धा, फेथ डेवलप कर सकते हो, बहुत डेवलप कर सकते हो, जस्ट बाय हैविंग द एनर्जी एंड हैविंग द एबिलिटी। ओके।
तो आई एम गोइंग टू गो बैक टू आर वर्ड डॉक्यूमेंट. क्योंकि हम अभी देखेंगे कि चूर सेठी जातक जो वर्स है वो एग्जैक्टली क्या है. ओके, तो जातक का वर्स ऐसा है, अपकेन पी मेधावी पाबतेन विचक्षणो समुट्ठा पेती अत्तानं अनु अगिंवा संधामंती. अपकेन पी मेधावी यानी अप इज वेरी स्मॉल, अपकेन पी मेधावी विथ हम्बलेस्ट स्टार्ट. मेधावी इज एन इंटेलिजेंट पर्सन. पाबतेन विचक्षणो, पाबतेन इज कन्वेड और ब्रॉट, विचक्षणो इज वी एन ए वेरी विशेष, तो विचक्षणो स्किल होता है यहाँ पे, तो कन्वेड विथ स्किल. समुट्ठा पेती अत्तानं, अत्तानं इज सेल्फ, खुद को. समुट्ठा पेती इज टू रेज, तो वो खुद को रेज करता है, रेजेस हिमसेल्फ. अनु अगिंवा संधामंती याने अनु इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, इट्स अ अनु बेसिकली, तो एटम. तो अनु अगिंवा, अगि इज फायर, तो जैसे फायर छोटे से पार्टिकल से संधामंती यानी टू फैन, टू इंक्रीज इट बेसिकली, यानी फायर अगर इंक्रीज होती है तो कैसे, और उसको एयर मिलता है तो इंक्रीज होती है ना, तो लाइक अ स्मॉल पार्टिकल कैन फैन अ फायर. तो जैसे एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा अणु भी अगर उसको, अगर वो इनफ्लेमेबल है और उसको हमने थोड़ा हवा दिया, थोड़ा फैन किया, तो वो अग्नि यानी फायर कैसे वो स्टार्ट कर सकता है या उसको बड़ा कैसे कर सकता है, यानी विथ हम्बलेस्ट स्टार्ट एन इंटेलिजेंट पर्सन कन्वेड विथ स्किल्स रेजेस हिमसेल्फ लाइक अ स्मॉल पार्टिकल कैन फैन अ फायर. यानी छोटी सी शुरुआत से एक इंटेलिजेंट पर्सन अगर उसके पास स्किल है तो वो खुद को कैसे उभरवाता है. जैसे एक छोटा सा तिनका होता है फायर का, उसको थोड़ा हवा दिए तो कैसे वो लिटरली फायर चालू कर सकता है, उस तरह से. सो इट्स अ सिमिली. ओके, तो ये हो गया हमारा जातक कथा. और ओके, सो एट द एंड ऑफ इट, अभी तो हमको पता चला कि प्रेजेंट में जो चूर पंथको था, जो लिटिल वेमेन था, वो तो एंड में अरंध बन गया है ना, जो बैकग्राउंड स्टोरी थी ये वाली, राइट ये वाली स्टोरी, ये पर्टिकुलर स्टोरी. तो अभी उसके आगे में तो क्या हो जाता है कि वो अरंध बन जाता है, जो लिटिल वेमेन है वो अरंध बन जाता है. बट ये सब जो सिचुएशन होता है इसके बाद में, when they come back from Jeevak's residence, जो afternoon meals जो offer किए जीवक ने, वो खाके जब वापस आते हैं बुद्ध और पूरा संघ, तो आने के बाद में वो meditation करते हैं, बुद्धा भी meditation करते हैं अपने कुटी में जाके, और बाकी सब लोग भी meditation करते हैं, और शाम को दे assemble, वो सारे 500 bhikkhus assemble करते हैं, और उनकी बातें चलते रहती है कि क्या हुआ, यानी बुद्धा के ग्रेस से लिटिल वेमेन को अरंथहुड मिल गया है ना, यानी उसको जो भी सिखाया, जो भी प्रैक्टिस में हेल्प किया वो अरंथ बन गया. तो वो ऐसे बहुत प्रेज करते रहते बुद्धा को कि कितने अच्छे है बुद्धा, उनके वजह से सब ऐसे हो रहा है, और ऐसे बात करते रहते. तो ये बात बुद्धा को पता चलती है, और वो जब हॉल में पूरी असेंबली बात करते रहती हॉल में, तो वैसे वो बुद्धा वॉक इन करते हैं वो टाइम पे, और असेंबली को एड्रेस करते हैं ये वाली जातक स्टोरी बोल के. तो उसमें
जैसे वो एड्रेस करते हैं, ये पूरी जातक स्टोरी बताते हैं, उसमें एंड में फिर वो बताते हैं कि वो वाली लाइफ में और करंट लाइफ में कौन क्या था, जैसे एज ऑलवेज इसके पहले के जातक में वो रिलेट करते, कनेक्शन बताते दोनों लाइफ का. सो ऑल्सो द ब्लेसेड वन सेड, इट इज थ्रू मी ब्रदरन दैट लिटिल वेमेन हैड जस्ट नाउ रिजन टू ग्रेट थिंग्स इन फेथ एज इन टाइम्स पास्ट टू ग्रेट थिंग्स इन द वे ऑफ वेल्थ. हिज लेसन दस फिनिश्ड, द मास्टर मेड द कनेक्शन between the two stories he had told and identified the birth in these concluding words. तो ऐसे वो एंड करते हैं ये बोल के कि भिक्खुओ, जैसे लिटिल वेमेन उस समय या जैसे लिटिल वेमेन इस समय श्रद्धा में इतना इतना यानी he rose himself वो level पे, श्रद्धा में वो इतना आगे गया और उसको इतनी डीप श्रद्धा डेवलप हुई, फेथ डेवलप हुआ उनके गाइडेंस में, वैसे ही पास्ट में उन्हीं के गाइडेंस से उसने वेल्थ डेवलप की थी, वो वेल्थ बहुत कमाई थी उनके गाइडेंस से. तो ये क्या है कि वो बोलते हैं कि पहले की लाइफ में और करंट लाइफ में कौन कौन था. तो जातक लाइफ में विच वॉज ऑल्सो द टाइम वेन ब्रह्मदत्ता वॉज the king in Benares in Kasi and Bodhisatta was born into a traders या treasurer's family. तो ये period था वो जातक का. और यहाँ पे हमको पता चलता है कि कौन कौन था. तो जो pupil रहता है ना, जो young fellow रहता है, वो treasure जो advisor की बात मानता है, king के advisor की बात मानता है, वो रहता है current Gautam यानी present life Gautam Buddha के time पे, वो लिटिल वेमेन रहता है, चूर पंतको रहता है वो. और जो वो ट्रेजरर रहता है यानी जो जो एक्चुअल किंग्स एडवाइजर रहता है वो बोधिसत्त्व होते हैं. बोधिसत्त्व मतलब करंट प्रेजेंट यानी प्रेजेंट लाइफ के हमारे गौतम बुद्ध होते हैं वो. तो ऐसा वो रिलेशन करता है, बेसिकली ऐसा रिलेशन है और ऐसे गौतम बुद्ध बताते हैं कि this person was so and so and this person was so and so. So with this we conclude our fourth jatak. Or basically abhi hum punanumodan kar lete hain, uske baad shayad main aapko aur kuch bataungi ya thode questions karenge hum kisi ko doubts hai to. To abhi hum pehle पुनानुमोदन कर लेते हैं ना, शेयरिंग ऑफ मेरिट्स. तो हमारा जो आज का धम्म डिस्कशन हुआ, हमको न्यू जातक पता चली, न्यू मॉरल पता चला, तो इसका जो भी हमने पुण्य कमाया है, जो भी मेरिट्स कमाया है, वो हम शेयर करते हैं सबके साथ. तो वी वुड जॉइन आर हैंड्स, क्लोज आर आईज एंड ओके लेट्स रिसाइट. इमीन पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतंग समागमो होन्तु याव निब्बान पत्तिया. इमीन पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतंग समागमो होन्तु याव निब्बान पत्तिया. इमीन पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतंग समागमो होन्तु याव निब्बान पत्तिया. साधु साधु साधु. ओके सो विद दिस वी कंक्लूड आवर फोर्थ जातक. और अभी बच्चों कुछ आपको क्वेश्चंस है इस पे, आपको कुछ पूछना है, आप कुछ भी पूछ सकते हो. आदित्य आपको कुछ पूछना बेटा? ओ भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध आपल्याला रिलेट का करतात पाचशी, म्हणजे काउन कशाला सांगतात पाचच्या स्टोरीज? पाचच्या स्टोरीज कशाला सांगतात? तर कसं आहे की
आपल्याला हे पहिले समजावं लागेल की बुद्ध बनले हे इझी नाही बनले, एकदम इझिली नाही आलं बुद्ध बनलं. त्यांना खूप परिश्रम करावं लागलं, खूप स्ट्रगल करावं लागलं ओव्हर अ पिरियड ऑफ अ लॉंग टाइम. म्हणजे खूप काळ गेले, त्याला ऍक्च्युली म्हणतात 4 असंख्य 1 लाख कल्प, म्हणजे खूप 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 टाइम असतो तो. तर एवढ्या टाइम वरती त्यांनी हे पूर्ण ट्राय केलं आहे, खूप म्हणजे एक्सपिरियन्स गॅदर केला आहे, ट्रायल अँड एररनी, म्हणजे काय करून पाहायचं, मग ते चुकायचं, मग ते परत करायचं, मग ते चुकायचं, मग दुसरं करून पाहायचं, असं करून खूप एफर्ट्स लागले आहे करायला. तर इट्स नॉट अन इझी थिंग टू बिकम अ बुद्धा. और बुद्ध असे म्हणतात, म्हणजे हे स्टोरी सांगून त्यांना एक इन्स्पिरेशन द्यायची आहे लोकांना, ज्यांना पण ते सांगत आहे, भिक्कूंना सांगत आहे की उपासकांना सांगत आहे, त्यांना एक इन्स्पिरेशन द्यायची आहे लोकांना की असं करावं लागते, म्हणजे असं करायला पाहिजे, मग असं केलं मी तर हे पॉझिटिव्ह आउटकम आलं. तर हे एक शेअरिंग ऑफ एक्सपिरियन्स सारखं, वी कॅन थिंक अबाउट इट लाईक दॅट. तर म्हणून बुद्धा जे एवढ्या पूर्ण वर्ष जेव्हा पण ते बोधिसत्व म्हणून जगले आणि त्यांनी हे हे गुड थिंग्स केले आणि हे हे क्वालिटीज जमा केले, तर हे जमा करून ते फायनल आपल्या फायनल जे बर्थ होतं त्यांचं ॲज सिद्धार्थ गौतम म्हणून, तर ते त्यांनी म्हणजे ते म्हणून ते जन्मले आणि मग त्यांनी फायनली एनलाइटमेंट केलं त्यावाल्या लाईफमध्ये, है ना. तर त्यांचं जे पण होतं, जे पण ते शिकले, ते शेअर करायला. आणि कधी पण आपण स्वतःचे एक्सपिरियन्स सांगतो नाहीतर स्टोरी सांगतो, ते खूप रिलेटेबल होते लोकांना, ते एकदम आपल्यासारखं वाटते त्यांना स्टोरीमध्ये, है ना. ते समजायला इझी होते कारण ते पिक्चराइज होते, है ना. कधी पण आपण काय म्हणत आहोत, काय स्टोरी सांगत आहोत, तर सगळ्यांचं आपलं आपलं डोकं ते आपल्या हिशोबाने विचार करतात ना स्टोरीला. तर ते एक छान वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग टू समवन आहे, है ना. तर तसे ते टू अचीव दॅट एंड रिझल्ट बेसिकली आपला एक्सपिरियन्स शेअर करायला ते जातक स्टोरीज मध्ये सांगायचे. तर दॅट इज द मेन थिंग. थँक्यू. मला क्वेश्चन आहे. येस सानवी, विचार विचार. म्हणजे उंदीर मेला, तर त्याला मग त्याला थोडेसे कॉइन मिळाले, त्यांनी काय म्हणतात स्वीट केक खरीदला, नंतर काय फ्लॉवर्स इकट्ठा, काही माणसं आले तर फ्लॉवर्स इकट्ठा करत होते, म्हणजे त्याचे हे बनवत होते. तर मग त्यांना भूक लागली होती, तर त्यांनी काय म्हणतात त्याच्या हातामध्ये त्याला केक खाताना पाहिलं, त्यांनी मागितलं आणि त्याच्या बद्दल त्याला फ्लॉवर्स दिले. मग त्यांनी फ्लॉवर्स म्हणतात विकले. मग स्वतःसाठी मन मोरे केलं. मला हे समजू नाही हे कसं झालं. हे कसं झालं? अच्छा, हे ना आता कसं राहते आपलं, जे लोक विकतात ना काही, तर आपण त्यांना त्याच्या बदले पैसे देतो, है ना. तर त्यावेळेस ना याला थोडं बार्टर सिस्टम पण म्हणायचे. तर जसं स्वीट केक आहे आणि दुसऱ्याकडे फ्लावर्स आहे, एकाकडे स्वीट केक आहे, एकाकडे फ्लावर आहे, तर ते लोक त्याला पण देऊ शकतात. म्हणजे एक दुसऱ्याला स्वीट केक देणार आणि दुसरा एकाला फ्लावर देणार, तर त्याला ते बार्टर सिस्टम म्हणतात, म्हणजे वस्तूच्या बदले वस्तू देणार. तर तेही पॉसिबल होत त्या काळामध्ये. तर थँक्यू. अच्छा, ओके बेटा, समजलं ना. छान छान. आणि मला मला हे सांगायचं होतं की हे पीडीएफ सेंड करू शकते का तू, याच्यात मी माझं थोडस मिस झालं ते. अच्छा, अच्छा पीडीएफ ना. तर पीडीएफ मला वाटते ग्रुप मध्ये आहे का तू अद्वैत?
कारण मी ग्रुप मध्ये टाकली आहे हे, ही मी परत पण टाकू शकते, बट इफ यू आर इन द ग्रुप तर मग हे तुला भेटेल, मग मी ग्रुप मध्ये परत शेअर करते वाटल्यास. ठीक आहे ना. ओके. आणि मला शरण्या आणि दृष्टीचा हात वरती दिसत आहे, थोडा वेळ झालाय. ओके. जेनेरॉसिटी म्हणजे? जेनेरॉसिटी बेटा, तर जेनेरॉसिटी इज दान, म्हणजे खूप जेनरस राहणं, म्हणजे स्वतःकडे जे आहे. जसं माझ्याकडे बुक आहे आणि माझ्या फ्रेंडनी स्कूलमध्ये बुक नाही आणली, तर मी तिच्यासोबत शेअर करते ती बुक. तर हे एक काइंड ऑफ जेनरॉसिटी झाली. नाही तर मी टिफिन शेअर करते थोडस माझ्याकडचं, थोडस तिच्याशी शेअर करते, ती आपलं माझ्याशी शेअर करते. हे छोटे छोटे फॉर्म्स ऑफ जेनरॉसिटी आहे, म्हणजे देणं, बेसिकली देणं, दान, दान म्हणतात त्याला पालीमध्ये. अजून सुमित, की मी, मला वाटते मी कम्प्लीट नाही केली, पण दृष्टी, शरण्या, अजून कोणतं फॉलोअप आहे का क्वेश्चन? कमिशन म्हणजे? कमिशन म्हणजे तर काय राहते, जेव्हा पण कोणता मिडल मॅन राहतो ना, एक कस्टमरला घेऊन येतो एक दुकानात, तर दुकानाचा जो जो मालिक राहतो दुकानाचा, तर कारण की त्या मिडल मॅननी त्या कस्टमर घेऊन आला त्याच्या दुकानात, म्हणून तो एक थोडासा जे पण तो कमवतो त्या ग्राहक त्या कस्टमरशी, तर जे पण कमवतो त्याचा छोटासा पार्ट, म्हणजे ते पर्सेंट सारखं राहते, 1%, 2%, ते तो मिडल मॅनला देतो, तो ब्रोकरला देतो, तर त्या पर्टिक्युलर अमाऊंटला कमिशन म्हणतात. जे पण तो कमवतो कस्टमर्स पासून, त्याचे एक छोटस पार्ट तो ब्रोकरला, मिडल मॅनला देतो, त्याला कमिशन म्हणतात. ओके. अजून सुमित, तुला काय आहे बेटा विचारायला? एनी क्वेश्चन्स? ओके. सायलीचा हात वरती दिसत आहे मला. येस सायली, गो अहेड. मॅम, मला एक प्रश्न आहे की म्हणजे आपण जे आपण आपल्या कास्टचे जे लोक आहेत, तर ते गौतम बुद्धांना देव का बरं मानतात? म्हणजे त्यांनी असं का आपल्या लोकांवर त्यांचं इन्फ्लुएन्स होत की त्यांनी ते चूज केलं की आपण यांना देव मान? आपले लोक गौतम बुद्धांना का देव मानतात, हे आहे ना प्रश्न? ओके. तर हे ऍक्च्युली पाहिलं जाय तर आपल्या डिस्कशनच्या व्यतिरिक्त आहे, तर इट्स लिटल ऑफ आर डिस्कशन जे जातकचं होतं, पण जस्ट टू गिव्ह अन आयडिया, देव का मानतात, इट्स मोर ऑफ की आपण त्यांनी जे सांगितलं ते फॉलो करायला पाहिजे, रादर दॅन त्यांना बस ठेवून पूजणं, है ना. तर आपण ते त्यांनी जे पण आपल्याला शिकवण दिली, जे पण सांगितलं त्याला फॉलो करलं केलं, तर दॅट इज सफिशियंट. त्यांना देव मानणं, ते का मानतात, दॅट्स अ व्हेरी डिफरंट टॉपिक, पण हे असू शकते की कारण की ते लिटरली द मोस्ट सुप्रीम ह्युमन बीइंग होते, एवढे सुप्रीम की की ते लिटरली देवाच्या पण वरती होते, तर त्यांना देव का मानतात ते आय डोंट नो, ते ऍक्च्युली देवाच्या वरती होते, पण इट्स जस्ट अ वे ऑफ, जे लोक मानतात इट्स जस्ट अ वे फॉर देम टू ऑनर इट, लाईक टू गिव्ह रिगार्ड्स टू बुद्धा, आणि दॅट कुड बी अ रिझन वाय ते देव मानतात, पण ऍक्च्युली ते देवाच्या वरती. To be very clear. Okay, ma'am. Thank you. अजून आपल्या सोबत आज स्वरा आहे का आपल्या सोबत?
यस स्वरा आहे. स्वरा तुला प्रश्न आहे? एनीथिंग जे नाही समजलं असेल? नाही नाही. अच्छा अच्छा. बट यू ऑल कैन आस्क मी एनीथिंग फ्रीली. ठीक है, म्हणजे काही पण नाही समजलं तर विचारा. आई आन्सर टू द बेस्ट ऑफ माय केपेबिलिटी. कृतिका बेटा, तुला काही विचारायचं आहे? नो मॅम. नो. ओके. अच्छा, मी परत एकदा सांगते. मला तुम्ही दीदी नाही म्हणू शकता. ठीक आहे, यू कॅन कॉल मी दीदी. और ठीक आहे. अजून ओके, अजून कोण आहे आज? अद्वैत, तुला काय विचारायचं बेटा? नो दीदी. अच्छा ओके ओके ठीक आहे. तर व्हेरी नाईस सेशन. आपल्याकडे ऍक्च्युली 4 मिनिटं आहे. मी ऍक्च्युली काही क्लासेस पासून विचार करत होती. एक छोटस सांगायचं तर बेसिकली इथे होत काय आहे, बुद्धा जे हे करत आहे ऍज अ बोधिसत्व, तर ते होत कशाला करत आहे, है ना? इट्स फायनल रिझल्ट काय आहे, तर दॅट इज बिकॉज ते पारमी जमा करत आहे. पारमी म्हणजे परफेक्शन्स. ओके, तर 10 पारमी असतात. तर मी याला क्विकली ब्रश करते आणि मग मी या फोटोला ग्रुपमध्ये पण टाकेन. तर वी कॅन डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक आहे, तर 10 पारमी असतात. दीज आर द 10 पारमी. 1 दान म्हणजे जेनरस. दृष्टी तू विचारली होती ना, व्हॉट इज जेनरॉसिटी? तर दान. दान इज बीइंग जेनरस. सेकंड इज सील. सील म्हणजे मॉरल्स. आपले जे पंचसील आहे ना, दॅट फॉल्स हिअर. दॅट कम्स अंडर हिअर. सील मॉरल्स. नेखम्म म्हणजे त्याग, रिनन्सिएशन, जगाला सोडून जाणे, असं गोइंग फोर्थ म्हणतात त्याला. फोर्थ पय्या, विजडम म्हणजे कसं आपल्याला आपलं जे दिलं आहे टोकं कसं आपल्याला वापरायला पाहिजे. मग 5 वीर्य. वीर्य इज, वीर्य जे आपले खूप सारे झाले आहे ऑलरेडी, वीर्यवरती डिस्कस केलाय. वीर्य इज एफर्ट्स, परसिव्हिअरन्स, कंटिन्यू करत राहायचं. 6 खंती म्हणजे पेशन्स. पेशन्स कसं ठेवायचं, है ना. 7 सच्च. सच्च आपण पण आता पण म्हणतो सच. सच क्या आहे? ट्रूथ. व्हॉट इज द ट्रूथ? सच्च इज ट्रूथ. 8 अधिष्ठान. अधिष्ठान इज टू डिटरमाइन समथिंग, डिटर्मिनेशन. ओके. 9 इज मेत्ता. मेत्ता म्हणजे मैत्री बेसिकली. तर जसं आपले फ्रेंड्स आहे, सगळ्यांसोबत मैत्री ठेवायची, लव्हिंग काइंडनेस सगळ्यांसोबत. तर 9th इज मेत्ता. अँड 10th इज उपेक्षा, इक्वॉनिमिटी सगळ्यांसोबत. इक्वॉनिमिटीने कसं राहायचं, छान असो वाईट असो सगळ्यांसोबत इक्वॉनिमिटीने राहायचं, सेम राहायचं सगळ्यांसोबत. तर हे आहे 10 पारमी. आणि बोधिसत्त ही पारमी जमा करत आहे हरेक स्टोरी में, हरेक जातक स्टोरी में. ये 10 में से एक पारमी फुलफिल हो रही है. ओके, तो ये फाइनल एम हो रहा है हरेक जातक का. तो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसी, कौन से जातक में कौन सी पारमी पूरी हुई. तो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, और आप, मैं जो PDF वापस शेयर कर रही हूँ ग्रुप पे, तो आप वो PDF भी रेफर करो. तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि कौन सी पारमी में कौन सी जातक फिट हो रही है. ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम ये पक्का डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी के लिए आई विल टेक योर लीव. यू गाइज हैव अ वेरी हैप्पी संडे मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड. और नमो बुद्धाय सबको. नमो बुद्धाय ऑल. ओके ओके, यू आर वेलकम बेटा. नमो बुद्धाय. नमो बुद्धाय. बाय दीदी. बाय बाय दीदी. बाय बेटा. बाय शर्मा दीदी. बाय 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 बाय. साधु 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 साधु.